वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने क्या बताना है, आप लोगों ने मुझे इस क्वेश्चन पे इस एक्स की वैल्यू बतानी है। मतलब आप लोगों को ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये रेड लाइन का लेंथ क्या होगा आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर फ्रेंड्स आप लोग खुद इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर ले और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। है क्या फ्रेंड्स, ये एक आप लोगों का स्क्वायर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इस स्क्वायर के अंदर एक क्या है, ये मेरा एक सेमी सर्कल है। तो स्क्वायर के टॉप से इस सेमी सर्कल को छूता हुआ ये एक लाइन है, एक रेड लाइन है, जिसे मैंने एक्स बोला है। तो आप लोगों ने इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसे सॉल्व यहां पर कर देता हूं। सी, आप लोगों को अगर टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर एक मेरा सर्कल है और एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट से वो पॉइंट से अगर इस सर्कल पे टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, इस सर्कल पे टेंजेंट जा रहा है तो जिस पॉइंट पे टच कर रहा होगा इसकी जो लेंथ होती है वही लेंथ इसकी होती है। मतलब अगर इसकी लेंथ एक्स है तो इसकी भी लेंथ क्या होती है, एक्स होती है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी। क्या है ये प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। मतलब एक आउटर पॉइंट से अगर एक सर्कल पे टेंजेंट बनाया जाए तो उस टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। आप लोगों को ये प्रॉपर्टी टेंजेंट की पता होगी। अब देखो, अब ये मेरा अगर स्क्वायर है तो ये वन है तो ये भी वन होगा, बिल्कुल वन होगा। तो गाइज, अगर मैं इस पॉइंट को ओ पॉइंट मानूं, इस पॉइंट को ओ पॉइंट मानूं, तो यहां से देखो ये एक टेंजेंट आ रहा है इधर और ये एक टेंजेंट आ रहा है इधर, क्लियर ना। ये एक टेंजेंट है ना ओ पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर, ये टच करते हुए निकल जा रहा है, ये भी यहां पर टच करते हुए निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा ये और ये इन दोनों की लेंथ क्या होने वाली है, मेरी सेम होने वाली है। तो यहां से यहां तक, सपोज मैं इसे सी पॉइंट बोलता हूं, तो ओ से लेकर सी तक की लेंथ कितनी होने वाली है, वन होने वाली है। क्यों, ओ सी इज इक्वल टू योर ओ बी। अगर मैं इस पॉइंट को बी मान लेता हूं तो ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप लोग इस पॉइंट को कंसिडर करो, अगर मैं इस पॉइंट को एम मान लेता हूं, इसे एन मान लेता हूं, तो यहां से भी तो देखो एम से सी पे एक टेंजेंट जा रहा है और एम से एन पे भी एक टेंजेंट जा रहा है ना। ये भी तो टेंजेंट है और ये भी क्या है, मेरा टेंजेंट है। इसका मतलब अगर जो लेंथ सी एम की होगी वही लेंथ एम एन की होगी, इतना बात आप लोग मानोगे। अगर मैं इसे y बोल देता हूं तो ये भी क्या होने वाला है, मेरा ये मेरा y होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। अब देखो ये वन है, ये वन है, ये वन है, तो ये कितना होगा, ये पूरा भी वन होगा। और एम एन क्या है, उस पे y है, तो ये अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं तो ये मेरा क्या होने वाला है, 1 - y होने वाला है। ठीक है, ये क्या होने वाला है मेरा, 1 - y। ये क्या हो गया मेरा, 1 + y, ये पूरा। और ये क्या है मेरा, 1 है। तो आप लोगों को यहां पर एक दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप लोग क्या बोलोगे, ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसे ऐसे पी पॉइंट मान लेता हूं तो आप लोग बोलोगे ओपी का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर, यही बोलोगे ना। और ओ एम कितना है, ओ एम है मेरा 1 + y का होल स्क्वायर। ओपी कितना है मेरा, 1 का स्क्वायर प्लस पीएम कितना है मेरा, 1 - y का स्क्वायर है, बिल्कुल है, यही है। तो अब इसे स्क्वायर कर लो तो क्या आएगा आपके पास, देखो ये आ जाएगा आपके पास 1 + y² + 2y इज इक्वल टू 1 + 1 +
वाई स्क्वायर माइनस का 2y, ये आएगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, एक वन से ये वन कैंसिल आउट, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, ये 2y को मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है, y कितना है मेरा 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25। तो यहां से यहां तक मेरा y कितना है, यहां से यहां तक 0.25। तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 1 + 0.25, दैट इज इक्वल टू 1.25 यूनिट, ठीक है। तो जो ये रेड लाइन है, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, इस लाइन की लेंथ होगी 1.25 यूनिट्स। क्लियर फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने खुद से सॉल्व नहीं किया होगा तो इस कंसेप्ट को सीखने के बाद होपफुली आप लोगों को अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे तो आप लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।